और ये ऊपर, और ये बता रहे थे कि आगे रास्ता थोड़ा खराब था। था तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भद्रवा वाला। तो जी, काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो उसका भी एक रीज़न था। एक्चुअली में हमारा एक कज़न था अश्विनी ठाकुर करके, तो उसकी इसी मंथ एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। तो जिस दिन से उसकी डेथ हुई उस दिन से थोड़ा मूड थोड़ा वैसे ख़राब हो गया था मेरा। कुछ दिनों से मतलब कुछ करने का मन, कहीं जाने का मन नहीं था। तो फिर आज कोई 8-10 दिन बाद हमने सोचा कि जाते हैं आज कहीं कहीं व्लॉग बनाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम पहुँचे हैं देवी पिंडी। तो अभी इस ट्रैक पे हम जा रहे हैं, अभी पहले कभी आए नहीं है। तो अभी मैं और रवि जा रहे हैं, रवि जा रहा है आगे आगे और मैं हूँ पीछे पीछे। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत अभी हो गई है। अभी बजे 11 और अभी हम दोनों भाई, मैं और रवि, अभी हम जा रहे हैं एक देव स्थान है माता का, देवी पिंडी करके, कटरा में ही पड़ता है, तो वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। प्लान तो हमारा फैमिली के साथ जाने का था, लेकिन आप सभी जानते हैं जब आपके पास टाइम होगा तब दूसरे किसी के पास टाइम नहीं होगा। तो फिलहाल तो अभी हम दोनों जा रहे हैं, तो चलो पेट्रोल भरा लेते हैं। पेट्रोल कम है क्योंकि अगर जाना है तो पेट्रोल होना ज़रूरी है, तो चलो पेट्रोल भरा लेते हैं आगे। इधर तो है नहीं, है नहीं, चलते हैं यार। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, कहाँ ले जा रहा है भाई? भाई बंदो, बीच रोड में लगा देते हैं, इनको भी अक्ल नहीं है ड्राइवरों को। हेलो, तो चलो जी भाई, पेट्रोल भरवा लिया तो अभी चलते हैं। तो गाइस, अभी हम पहुँचे हैं टिकरी, और अभी हमें पता तो है नहीं कहाँ के लिए है, तो अभी जाते हैं। तो ये देवी पिंडी की साइड है, देवी पिंडी। जी, देवी पिंडी कहाँ? देवी पिंडी आगे से बोलते हैं, ऐसे यहाँ से। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। मुझे लगा ऐसे रोका था, मुझे लगा आज पक्का इन्हें रोकना है, पूरे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, लेकिन नहीं, ये गाड़ी वाले को रोक रहे थे। अभी हम लोग कुलचा वगैरह खाने बैठे हुए थे, तो कुलचे वाले भैया से पूछा कि भाई ये देवी पिंडी ट्रैक किस साइड पड़ता है, तो उन्होंने बताया टिकरी से अंदर कोई 7-8 किलोमीटर का ट्रैक है ये। तो यहाँ का रास्ता भी ऐसा है कि ऐसा लगता है कि हम कहीं डोडा भद्रवा आ गए। तो बस यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ देवी पिंडी, शायद यहीं पे एसी साइड है ऊपर। तो भाई इस साइड की रोड ना बिल्कुल है सिंगल रोड है, और कब गाड़ी आगे से आ जाए कोई पता नहीं लगता है यहाँ पे। तो अभी तो किसी ने बताया ऊपर वाली साइड है, लेकिन अभी चलते जा रहे हैं तो कोई पता नहीं लग रहा है हमें। आई थिंक यहाँ से होगा देवी पिंडी। तो गाइस, एक रास्ता यहाँ से भी था, एक ऊपर से भी है। वो कह रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा ख़राब रास्ता है, और यहाँ से जो ऊपर वाला रास्ता रोड वाला, तो कह रहे थे कि वो बेटर है क्योंकि नीचे से कोई पता नहीं है कैसा है, ख़राब है क्या है, भगवान ही जाने। लाल तो उन्होंने कहा कि यहाँ से चलो, वहाँ पे नीचे भी बोर्ड लगा हुआ था। ये देखो गाइस, रास्ता देख रहे हो कैसा है, ऐसा जैसे सुनसान गलियाँ होती ना, जो डरावनी गलियाँ, बस वो वैसा जैसा रास्ता यहाँ पे। चारों ओर से पेड़ों ने पूरा रास्ता घेर रखा हुआ है, ये देखो। तो गाइस, यहाँ से पूरा ऑफ रोड है, ये देखो। ये जो दो आगे बाइक बाइकर्स जा रहे हैं, ये भी शायद जम्मू से हैं, और ये ऊपर, और ये बता रहे थे कि
आगे रास्ता थोड़ा ख़राब था, कह रहे थे हम दो ही थे तो हमें डर लगा कि भाई आगे कैसे जाएंगे। इन्होंने हमें देखा तो ये बीच रास्ते से वापस आया है। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए अभी यहाँ से देवीपिंडी 2.5 किलोमीटर है। मीट वाइन नॉट अलाउड, वैसे हम नहीं करते ये चीज़। और यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे देखो ये भी बना हुआ है, यहाँ पे स्विमिंग पूल टाइप। तो अभी हमें आगे वो मुझे लगता है वो वहाँ जाना पड़ेगा वहाँ शायद से। तो चलो चलते हैं, फिर आपको पूरा ट्रैक दिखाते हैं आज। ये है हमारा रवि सिंह, जहाँ भी देखो कुर्ता पजामा लगा के निकलता है। ये शादी हो कुछ हो कुर्ता पजामा ज़रूर लगाना है इसमें। अब शायद ये रास्ता है शायद से नीचे से लग रहा मुझे। क्या भाई किस रास्ते जाएंगे? इस रास्ते क्योंकि एरो लगे हुए हैं, ये एरो लगे हैं, किस रास्ते चले? चलो गाइज यही रास्ता चूज करते हैं, वो थोड़ा चढ़ाई भी है, ये उतराइए पहले निकलते हैं। और मौसम यहाँ पे जैसा है ना वैसा मुझे लगता है जम्मू में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मौसम ठंडा है बिल्कुल, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। ये है रास्ता यहाँ का, और ये ऐसी नहर और यह जगह भद्रवाह की याद दिलाती है, क्योंकि मेरे नानी तो वाली साइड जो नानके है मेरा उस वाली साइड बस ऐसी नहर है और ये रास्ता। नहर तो इतनी बड़ी नहीं है, छोटी नहर है लेकिन सेम वैसी लग रही है। दिमाग खराब है तेरा, ये कह रहा है अगर ये तू ये पार कर पाएगा तो कैसे करेगा पार बता, चल के कैसे करना पार? दिमाग तेरा हो गया खराब। देखो गाइस इतना प्यारा एरिया है, अगर ऐसे एरिया पे जगह मिल जाए घर बना ले कोई। खूबसूरती यहाँ की देख ले, ये कौन सा फ्रूट है? ये भी शायद कोई फ्रूट है वैसे, ये वो नहीं है जैसे फागू बोलते हैं जिसको, वो तो नहीं है लग रहा है ऐसा। कल यहाँ पे मौसम खराब है इस वजह से देखो हवा कितनी तेज चल रही है देखो। और यहाँ का व्यू चेक करो यार, थिंक ये पानी भी ये जो नीचे से आ रहा है ये शायद ये वहीं से निकलता है। बस अभी थोड़ा सा रह गया तो कुछ लोग दर्शन करके भी आ गए हैं, आपने पीछे देखा, ये देखिए पीछे लोग जा रहे हैं। हवा इतनी तेज़ है कि अब शायद आपको आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, लेकिन बड़ी तेज़ हवा है यहाँ पे। तो बस अभी हम थोड़ा सा रह गया हुआ है, 500 मीटर रह गया होगा। तो चुप क्यों है इसको? वैसे जाने का मन नहीं था, मैंने ज़बरदस्ती इसको घर से लाया है। मैं चल तुझे आज नई जगह पे ले चलता हूँ, तेरा मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, थोड़ा फ्रेश महसूस करेगा। ये यहाँ तक थी बिल्कुल प्लेन रास्ता था, और यहाँ से अभी फिर से चढ़ाई आ गई है, वहाँ से फिर आगे ये शायद इधर जाना है, यहाँ पे कहीं होगा रास्ता, देखते हैं अभी कितना है यहाँ से। तो गाइस चलते ही जा रहे अभी ये शायद ये आ गया, आई थिंक ये है, ये सामने ये झंडे लगे हुए हैं ये देखिए, ऐसी ठंडी है
ये पहुंच गए, ये हम पहुंच गए हैं। यहाँ का कुछ ऐसा एरिया, ये बीच पहाड़ है और बीच में मंदिर है और आगे भी पहाड़ है। और ये भी थक गया हुआ है, हेलमेट यहाँ पे नीचे डाला हुआ है। तो अभी चलते हैं अंदर, करवाते हैं आपको दर्शन। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा इस जगह का, पता होगा भी तो गए नहीं होंगे। चलिए, अगर इस वीडियो को कोई भी देख रहा होगा तो इस वीडियो को देख के ज़रूर जाना। अच्छा, ऐसे ख़राब मौसम में मत जाना क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं रहता, क्योंकि बारिश वारिश वगैरह रहती है। तो अभी हम आ गए मंदिर में। हमने दर्शन कर लिए तो हम आगे बाहर, तो आपको भी हमने दर्शन करवाए। और यहाँ पे अंदर जो है, जो मेन है माता का मंदिर, वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ की एक मान्यता ऐसी है कि यहाँ पे जो माता है वो यहाँ पे तपस्या करती है और दर्शन वैष्णो माता में जाके देती है। तो उन्होंने हमें मना कर दिया, पुजारी जी ने। तो फ़िलहाल तो थोड़ी सी हमने वीडियो बना ली थी, तो चलो, हमारी वैसे इंटेंशन नहीं थी जिससे कि हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचे, वैसा हमारी इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी। तो चलिए, आप वीडियो बना ली है तो आप भी दर्शन कर लीजिए। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं नीचे जहाँ पे पानी है, क्योंकि मैंने वीडियोस में और फोटोज़ में देखा हुआ पानी यहाँ का, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। रवि कह रहा है कि यार यहाँ कहाँ जा रहा तू, यहाँ पे बारिश आने वाली है। मैंने कहा चल भाई, यहाँ पे थोड़ा रास्ता भी उल्टा फुलटा ही है। ओहो, लगी यार मेरे पैर में। यहाँ से किधर से है रास्ता, देखते हैं। यहाँ पे पानी देखो गाइस, जैसे क्रिस्टल क्लियर पानी बिल्कुल, आपको एक एक पत्थर यहाँ पे दिखेगा, जिस चीज़ के लिए मशहूर है। और गाइस, बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। मौसम देखो, ऐसे मौसम में तो बिल्कुल नहीं आना। तो गाइस, मौसम ख़राब हो गया, हम एक पत्थर के नीचे हैं। ये देखो, तगड़ी बारिश लगी हुई है। और मैं नीचे नहाने वाला था, शुक्र करो नहाया नहीं तो कपड़े पूरे गीले हो जाने थे। जाते वक्त बारिश नहीं थी, आते वक्त बारिश है, देखो। तो अभी हम निकलते हैं वापस, और कैमरे को मुझे छुपाना पड़ेगा क्योंकि अगर इसमें एक बार पानी घुस गया तो ये ख़राब हो जाएगा। तो गाइस, ब्लॉग को कहते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमें मोटिवेशन दिलाता है। तो चलिए, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।